Hi everyone, assalamu alaikum, welcome back to my channel, shukra Allah for everything. तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे, खिचड़े के साथ मैंने चोंगे भी बनाए थे, मीठे मीठे रसीले जूसी, बहुत ही प्यारे लगे थे ये, और ये बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। तो इसकी भी रेसिपी मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। मैं वही खिचड़े के साथ ही इसकी रेसिपी आपको बताने वाली थी, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती और आप लोग देखने में बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके अलग से वीडियो बना लूं। तो उसी दिन मैंने बनाए थे चोंगे भी। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलती रहे। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किया है बड़े से बर्तन में, और उसमें गुड़ डाला है मैंने, जैगरी, और उसके बाद 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करूँगी। और गुड़ अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा, जितना भी आपको पानी बनाना है, ज़्यादा या कम, उतना आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बस इतना ही लिया है, 2 कटोरी होगा ये। अच्छे से मेल्ट करना है हमें गुड़ को, और इस टाइम पे हमें गैस को ऑफ करना है और इसे ढककर रख देना है साइड में। ये हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी है। ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है फ्रेंड्स, पतली रखनी है इसे। उसके बाद यहाँ पर गेहूँ का आटा लेना है, इस तरह से गूंद कर, जैसे हम चपाती के लिए लेते हैं उसी तरह से यहाँ पर छोटे छोटे से बॉल बनाकर लेंगे पूरी के जैसे, और यहाँ पर ऑयल में इसे डिप करेंगे और इस चोंगदाने के ऊपर बेलना स्टार्ट करेंगे। इसे हम चोंगदाना कहते हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर डिज़ाइन बनी होती है और इसी के ऊपर चोंगे बनाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी बनते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें बेलना है चोंगदाने को उठाते हुए, हमें पूरी को बिल्कुल नहीं उठाना है, बस यही प्लेटफॉर्म को उठाकर इस तरह से घुमाते हुए हमें पूरी बेल लेनी है और यहाँ पर इसे निकाल लेना है कुछ इस तरह से। इसके नीचे जो है ना डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्रीटी बनकर रेडी हो जाती है, आप देख सकते हो। इसी तरह से हम सारे चोंगे ये बना कर लेंगे और इनको हम अब सेकेंगे। तो यहाँ पर और एक इंग्रेडिएंट्स लगता है, जो कि ड्राई कोकोनट को हमने इस तरह से घिस कर लिया है, ये देख सकते हो आप। और इसके अंदर हमने सिर्फ खसखस ऐड की है, अच्छे से रोस्ट की हुई खसखस हमें इसमें ऐड करनी है। 2 ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं बस, और कुछ भी नहीं इसके अंदर लेना है हमें। इसके बाद ये भी हमारा रेडी है बिल्कुल, और यहाँ पर चाशनी भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये जो हमने बेल कर लिए हुए थे चोंगे, इसे हम एक एक करके सेकेंगे तवे के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने तवा अच्छे से गर्म कर लिया है, तवा मेरा थोड़ा मैसी हो गया है, 2 दिन से मैंने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था फ्रेंड्स। तो खैर, मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी आज शाम में इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर हमें इस तरह से चपाती की तरह इसे सेक लेना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हो ये जो है ना चोंगे हमारे बहुत ही ऑयली होते हैं, क्योंकि इसे हमें जो है डीप करना होता है ऑयल में और फिर बेलना होता है। तो इसके ऊपर हम ऑयल को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए तो फिर 4 से 5 बूंद बस इस तरह से अप्लाई कर दीजिएगा, एज यू विश फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद है तो कर दीजिएगा, वरना बिना ऑयल के ही इसे आप सेक सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 यहाँ पर बूंद ऑयल से अप्लाई कर दिए हैं, और इसी तरह से चपाती की तरह बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसे सेक कर लेना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने तक। ये देखिए, इस तरह से जब ये सिक जाते हैं तो हम इसे आराम से निकाल लेंगे चिमटे के ज़रिए, और जो हमने चाशनी बना कर ली थी ना उसके अंदर इसे पूरा डिप करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये बहुत ही ज़्यादा मीठे और रसीले बनते हैं पूरे हो जाने के बाद में, इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। इस तरह से डिप करेंगे और अच्छे से एक बर्तन या बाउल में से ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से, और जो हमने कोकोनट का बैटर बना कर लिया था वो जो इसके ऊपर ऐड करेंगे इस तरह से, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा, तो मैंने कुछ मीडियम साइज़ में यहाँ पर ऐड कर दिया है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, कुछ इस तरह से ऐड कर देना है। और इसके ऊपर सेम प्रोसेस में हमें सारे जो है ना चोंगे अप्लाई करते जाना है। तो इसके ऊपर मैं और यहाँ पर 2 टेबल स्पून जैगरी का शरबत जो हमने बनाया था वो ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा जूसी हो जाते हैं हमारे चोंगे। तो इसी तरह से हमें सारे जो है ना चोंगे हमारे बनाकर रेडी कर लेने हैं, और सेम प्रोसेस में इसे अप्लाई करना है, पहले डिप करना है शरबत में, उसके बाद बाउल में एक के ऊपर एक रखते जाना है। इससे क्या होता है, ऊपर भी जो हम शरबत डालते हैं तो वो नीचे वाले चोंगे में अब्जॉर्व होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मीठे लगते हैं। तो इसी तरह से हम सारे जो है ना चोंगे को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो सेम ही प्रोसेस है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा फटाफट बता देती हूँ। तो ये देखिए, इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा बनाए थे
और खिचड़ा भी बनाया था उसी के साथ। तो पहले खिचड़ा खाना होता है और लास्ट में चोंगे, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन परफेक्ट होता है, बहुत ही टेस्टी हुए थे फ्रेंड्स। थोड़ी भी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और एक न्यू वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, बाय बाय।